हेलो जी और अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन माय YouTube चैनल। ये चुन्नी मेरी रंग दे नारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी। तो यार कैसे हैं आप सभी लोग? भी क्या नहीं, आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं यानी के लिटिल राजपूत स्लीपर आपका बेहतरीन व्लॉगर इतनी देर बाद कहां से आए? यार सदा टट्टी करके आया। आपने अपनी मोहब्बत दिखाई है, आपने 2K सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट कराई है। बस बुलाएगा क्या? तो मैंने कहा क्यों ना व्लॉग भी बनाया जाए और आपको एक जरा बात भी बतानी है, जरा केले में बात बताते हैं। ठीक है यार, मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने किसी को बताना नहीं है कि हमारी आ रही है शादी। ठीक है ठीक है, आगे मेरी नहीं आ रही, हमारी नहीं आ रही, यानी शादी आ रही है। ठीक है ठीक है। तो उस शादी के लिए मैंने कहा जरा प्रैक्टिस भी कर ले, आपके लिए अच्छा ब्लॉग बनाना है शादी पे। आपको पता ही होगा, जो हमारे पुराने चैनल के सब्सक्राइबर थे ना, उनको तो पता ही होगा कि हम शादी पे कैसे कैसे ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है ठीक है। तो आज का ब्लॉग जरा फारक तरीन होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा अच्छा बने, क्योंकि इतनी देर बाद बना रहा हूँ, पता नहीं सही बनता भी है कि नहीं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। वेरी वेरी थैंक यू फॉर 2K। ठीक है। अरे भाई, अभी अभी जो मैं काम करने आया हूँ वो है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये कनक पड़ी हुई है, तो इसको हमने जरा खिलाना है। आपको पता ही होगा जो लोग कनक वगैरह करते हैं, चाहते जब धूप में डाली होती है तो उसको साफ करना होता है, हाथ मारना होता है, मगर क्यों? तो सबसे पहला काम जो हमने ये करना है, तो आओ साथ मिलकर करते हैं। ये देखो जरा, ये इसको बस ऐसे ऐसे करना है। ठीक है ठीक है। After this, my father to me. मुझे डॉल। और तभी जो है हमने चेक करने हैं जो हमारे क्या कहते हैं 2 पीस बेड को जो है। ठीक है, तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको शादी पे अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छे अच्छे। गाइस ये देख सकते हैं, ये एक कोट मिला है, ये पता नहीं किसका है, ये शायद मेरा नहीं नहीं नहीं। चलो इसे पहनते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये किसका है। भाई देख सकते हैं गाइस, ये जो हमारा कोट है ये इन महाशय का है। और मैंने बूट देख सकते हैं, महाशय नहीं आया और उधर वे जरा बूट हमने भाई जेंटलमैन लग गया जेंटलमैन। हम मैं बालक देसी आपका जोकर भाई, कॉलर थले की तानी दे जो कि चोरी करके चीजें पहन रहा है, मगर क्यों? ए तेनु इंदा नाम पूरा आया है, ए पाके देखे इन छोटा ते नहीं आया। गाइस हम ये नहीं लेंगे, हम नया। अच्छा तो गाइस जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, हमारे पास शादी की पहनने के लिए, शादी पे पहनने के लिए बिल्कुल भी कपड़े नहीं। तो ये एक हमारे पास जेंटलमैन निकला था, लेकिन ये जेंटलमैन भी उस गरीबों का जेंटलमैन का है। देख सकते हैं प्लास्टर करने के लिए ऊपर चाहिए। गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे फ्रेंड के फ्रेंड जनैर के फ्रेंड आलू साहब बैठे हुए हैं। तेरी शर्ट भी कोई नहीं है। गाइस आप लोग देख सकते हैं, हमें यहाँ पे ऊपर चढ़ा के बैठा दिया गया, कोई शर्ट नहीं है तेरी। इसकी बारिश में यहाँ पर बहुत सर्दी की वजह से शर्मिंदा हो रहा हूँ। और मुझे यहाँ पर एक स्पैरो नजर आ रही है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे तो जल्दी सब्सक्राइब करो, टाइम नहीं जाया करना। आप लोग तो गाइस आप लोग ये देख सकते हैं, मुझे कोई एल्बम भी है, मैंने चीजें मिली हैं बहुत पुरानी, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जरा, ये कौन है बताओ, कौन है कमेंट करो जिसने सही कमेंट। ये है हमारे नाना बू और नानी अम्मी, जिसको आप लोग देख सकते हो यहाँ से। ये भाई ये कौन है? फेस रिवील होने लगा। ये कौन है? बड़ी आंटी तेरी। ये हमारी बड़ी खाला है, जो कि इनके इस दुनिया से जा चुकी हैं। आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब इनके लिए एक दफा सूर्य फातिहा और 3 दफा कुल श्री पढ़ के दुआ करें। माशाल्लाह वाजवा सुभान अल्लाह करें, और इनों के लिए भी दुआ करें। अल्लाह दिखाते हैं, ये देखें, ये है हमारी तीसरे नंबर वाली खाला, जो के जिनके पुत्र जी की आप वीडियो इस टाइम देख रहे हो साइड पे, ये वाला ये
जिसको हम कुकर कहते हैं। ये आप देख सकते हो, ये है वो। और ये कौन है? ये उसकी फूफो, दूसरी दुल्हन ना। ये पहले जमाने में कैसे कैमरे होते थे, ये देखो जरा, आंखें बांध में कोई परवाह नहीं है किसी को, तस्वीर जैसी ये आ गई। बस ठीक है, अब ये बच्चा कौन है? आपको भी हम मिलवाएंगे शादी में, ये बच्चे का भी आगे से बच्चा हो गया। जितने यहाँ पे इसने बच्चे है ना, ये इन सब के आगे से बच्चे हो गए हुए। और अब हम आपको वो दिखाएंगे वो क्या बने हुए फिर रहे हैं। भी हो गए ना बच्चे। और ये जो है ना, ये जो है, ये इनके बच्चे, ये जो खारिश कर रहे हैं ना ये। तो आप लोग सब्सक्राइब करें और इनके बच्चों को प्यार दिखाएं। और ये देखें उतने और भी हैं, ये देखें जरा। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक पुरानी एल्बम के ऊपर एक पूरी सीरीज आए, तो आप लोग कमेंट में करें ताकि हम इसके ऊपर पुरानी तस्वीरें निकाल के उसमें सारे वीडियो निकालेंगे। इस वीडियो पे अगर 25 लाइक हो गए तो इस ये पूरी एल्बम सीरीज आएगी जिसमें हम आपको सारी पुरानी तस्वीरें और हमारी बात अब आगे मिलेंगे आपको करते हैं इस चीज की। तो ये देख सकते हैं या मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। देख सकते हैं ये देखते हैं हमारे वालिद साहब, आपको जवानी देख सकते हैं हमारे वालिद साहब की। दिखाइए दिखाइए, देखिए वालिद साहब के बड़े बाल दिखाइए कितने हैं वालिद। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, चलो चलो मैं आपको वहीं जाके मिलता हूं। तो गाइस सबसे पहले तो हमने सूट लिए थे, उसके बाद हम यहाँ पे आए थे, ये शूज़ हमें पसंद आए थे, तो यहाँ पे हमने जाके पैंट शर्ट ली। तो गाइस जैसे जैसे हम शॉपिंग करते जा रहे थे तो टाइम ज़्यादा हो रहा था, अचानक से बादल आए और बारिश शुरू हो गया। अनारकली बाज़ार में ही थे तो यहाँ पे बारिश शुरू हो गया, देख के ऊपर बादल भी है, ये बादल कभी बारिश हो रही थी नहीं। इसके बाद जो है मैंने यहाँ से पापा को कह के टोपी ली। तो यार टोपी लेने के बाद हम सबको भूख लगी थी, तो सुबह का कुछ खाया भी नहीं हुआ था, तो पापा ने कहा क्यों ना यहाँ पे पास ही शेक वाली दुकान है, वहाँ से शेक ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम बैठे हुए थे तो अचानक से बारिश शुरू हो गई और हमें लाला जी ने ये दरख्त के नीचे, तो जैसे लाला जी हमें जूस देकर गए, हम इस दरख्त के नीचे बारिश से बचते हुए और इस अच्छे से मौसम को इंजॉय करते हुए शेक पी रहे थे। तो आप लोग ये देखे जरा, दरख्त के नीचे सिर्फ बारिश नहीं आ रही और बाकी साइड पर सारे बारिश आ रही। तो जूस पीते पीते अचानक पापा को याद आया कि छत पे तो कनक डाली हुई थी, तो पापा ने उसी टाइम कैमरा खोला और देखा, ये देख सकते हैं आप लोग, कनक तो बारिश की वजह से पूरी भीग चुकी थी और गीली हो चुकी थी। ये देखिए ज़रा, कनक तो पूरी ख़राब हो गई। बादल तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही काले आए हुए हैं, बारिश यहाँ पर देख सकते हैं तेज़ है, कोई पता नहीं आगे जाके भी तेज़ हो जाए। आप लोग वीडियो को लाइक करो, यहाँ पर ये छोटे बच्चे भी आए हुए थे और जूस वाली शॉप के सामने ही लाला जी ने रेडी के ऊपर लगाए हुए थे शूज़। यकीन माने इतनी कम प्राइस में इतने अच्छी क्वालिटी के शूज़, यार दिल खुश हो गया। मुझे तो ये वाइट वाला पसंद आ रहा था तो मैंने लाला जी को कहा लाला जी इसे पैक करो। तो यार मगरिब के वक्त हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, जब शॉपिंग कंप्लीट करके हम घर वापस आ रहे थे तो रस्ते में मैं और मतीन सो गए, तो अचानक जब पापा ने ब्रेक मारी तो हम एक होटल के सामने थे खाने वाले, तो ऑर्डर तो हमने दे दिया था, ऑर्डर के इंतज़ार में उन्होंने हमें सैलड ला के दी, तो मुझे भूख लगी हुई थी, मैं सैलड खाने लग गया। ये देखिए ये हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है, इसे लगता है इसके बख्शिश के नोटिफिकेशन आते हैं। तो यहाँ पे पापा भी मोबाइल पे लगे हुए थे, पापा को तो कनक की फिक्र लगी हुई थी। यहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद ही हमारा ऑर्डर आ चुका था, तो भूख लगी हुई थी, सारे फटाफट खाना खाने लग गए, तो वीडियो बनाना किसी को याद नहीं रहा, तो मैंने कहा क्यों ना अभी बना लें। ये देखे मैंने फटाफट पर एक प्यारी सी बाइट ली, क्या मज़ेदार खाना था। तो यार जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। ये देखें इसको भी कितनी भूख लगी है, बस बोटी में रोटी को घुमाई जा रहा है। ये देखे वो देखे, कभी इधर से बोटी उठाया कभी उधर से। ये देखे तो यार यहाँ पे हम सबने खाना खा लिया था, सिर्फ ये खाना खा रहा था, तो हम इंतज़ार में बैठे हुए थे, तो यहाँ पे पापा जी ने बिल मंगाया, तो बिल का इंतज़ार करते मैं तो बैठा था, मैंने तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के खाना खा लिया था।